व्लॉग तो आज मैं जा रहा हूँ BMW शोरूम, क्योंकि वहाँ पे एक इवेंट होने वाला DIY करके, और साथ में BMW G310 RR का न्यू कलर अनवील हो रहा है। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। ये सोचे कि बाइक से जाएँ या कार से, देन वी डिसाइडेड हम कार लेके जाएंगे। और ये हम चले, घर से निकल चुके हैं एंड निकलते ही ट्रैफिक आ गया है सामने, एंड हम लोग को 6 बजे पहुंचना था और अभी हो रहा है 5:34। तो देखें 6 बजे तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। तो फाइनली शोरूम में पहुंच गए, अभी कार से निकलते हैं और चलते हैं अंदर, एंड आप लोगों को दिखाते हैं क्या हो रहा है। पहुंच गए OSL Prestige Honda, सॉरी BMW OSL Prestige BMW। यहां पे रखा हुआ है बाइक तो अनवील। मैं सोच रहा था कि हम लोग लेट आ गए, बट हम लोग जल्दी पहुंच गए हैं, एंड बाकी लोगों का भी वेट कर रहे हैं। देखते हैं इवेंट तो स्टार्ट होगा, 6:30 हो चुका है, देखते हैं कब तक इवेंट स्टार्ट होता है। It is a new program for the DIY season, and और एक भी second है हमारे पास जो G310 RR का नया launch हो रहा है। कुछ बेसिक पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंटेंट्स के बारे में बता देता हूँ, ये सेशन में क्या क्या चीज कवर होगा। टॉपिक ये रहेगा कि नो योर बाइक सर्विस शेड्यूल, आपका बाइक का सर्विसिंग जो शेड्यूल होता है वो क्या रहेगा, इंजन लुब्रिकेशन और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऑयल चेंज जो होता है, जो कि ऑयल बहुत सारा ऑयल होता है, जैसे आपका इंजन ऑयल हो, ब्रेक फ्लूइड हो, कूलेंट हो, बहुत सारा ऑयल रहता है, उसका क्या शेड्यूल मेंटेनेंस रहेगा, और टायर प्रेशर जो एक मोस्ट इरिटेटिंग फैक्टर होता है जब हम गाड़ी में राइड करते हैं, आगे चलते हैं तो बीच रास्ते में टायर पंक्चर हो जाता है, उसको हम कैसे, वो जो एक बड़ा प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसको भी थोड़ा सा एक हिंट में प्रोवाइड करेंगे। और ब्रेकिंग सिस्टम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, और क्लच लीवर को आप खुद कैसे एडजस्ट कर सकते हो, कितना स्पेसिफिकेशन उसका होना चाहिए, कितना mm का गैप होना चाहिए, तो हमारे टीम है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे। चेन क्लीनिंग, चेन लुब्रिकेशन पार्ट, चेन स्लैकनेस, चेन का जो स्लैकनेस होता है वो कितना रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, गाड़ी जब आप अपने पास रहता है तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो चेन का स्लैकनेस बढ़ेगा, तो उसको कितने mm में रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो आप सर्विस सेंटर आके ये नहीं कर सकते हो, तो आप खुद कर सकते हो या फिर कहीं अच्छा रिकमेंड सर्विस जगह पे आप कर सकते हो तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। गाड़ी में ये बहुत सारा सिम्बल्स होता है, ये सिम्बल्स का क्या क्या काम है, सिम्बल्स क्यों है, तो उसके बारे में हम बताएंगे, और हम हमेशा जो चीज़ हम बताएंगे वो चीज़ को हम आपको रिकमेंड भी करेंगे, जो आपका पास यूजर मैनुअल है उसको भी फॉलो कीजिएगा। बैटरी मेंटेनेंस क्या है, उसका टिप्स क्या होता है, मैक्सिमम कस्टमर के दिमाग में ये है कि BMW का बैटरी बहुत ख़राब हो जाता है,
क्यों होता है, एक्चुअली ख़राब नहीं होता है, उसका जो मेंटेनेंस है हम कैसे उसको केयर करेंगे ताकि बैटरी का जो हेल्थ है जितना रहना चाहिए वो तो कैसे मेंटेन होगा, वो चीज़ के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। पीरियडिक मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होता है? हमारा जो सर्विस का जो शेड्यूल होता है वो डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। तो हमारा जो शेड्यूल होता है, फर्स्ट सर्विसिंग जो होता है वो एक महीना या फिर 1000 किलोमीटर में होता है, बाकी उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ सो ऑन जितना सारा सर्विसेज है वो 10,000 किलोमीटर या एक साल, हर एक सर्विस का जो गैप आ जाएगा आपका एक साल या 10,000 किलोमीटर में। आप अगर 10,000 गाड़ी चलाते हो तो भी सर्विस करोगे, अगर आपका एक साल हो गया बट आप इतना किलोमीटर चलाए नहीं हो, 5,000 कोई 2,000 कोई 2,500 किलोमीटर चलाया है तो भी आपको सर्विस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बहुत सारे कस्टमर के दिमाग में ये है, मैं तो गाड़ी चलाया नहीं हूँ, मैं सर्विस 2 साल के बाद करूँगा। वाई इट इज़ नेसेसिटी टू चेंज द इंजीनियर सर्विस, तो इसीलिए मैं एक डायग्राम दिया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इंजिन ऑयल 1, 2, 3, 4 जो है, ये इंजिन ऑयल का कलर है जो गाड़ी का इंजिन के अंदर रहता है, बट उसको फिजिकली वो सीन नहीं होता, बट एक्चुअली वो ऐसे ही दिखता है ये जो इंजन ऑयल है। ये जो बटन 1 नंबर में जो इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल नया है जो बक्स में रहता है, फिर उसके बाद जब वो इंजन के अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल के बाद वो इंजन ऑयल का कलर ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए ये जो ब्लैक हो जाता है, ये ब्लैक कलर जो है ये क्या होता है, जब पिस्टन या फिर इंजन का मैकेनिज्म चलता है उसके अंदर में कार्बन डिपोजिशन होके वो इंजन ऑयल का कलर खराब हो जाता है। पाइप के अंदर पानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो जब चला जाता है तो क्या होता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है एंड वो इसे टाइप का कलर आ जाता है। जैसे आपका ऑयल के अंदर अगर हम पानी डालेंगे और वो उसको हम एक काम कर सकते हो, आप देख सकते हो जैसे एक बॉटल में हमने कोई भी ऑयल डाल दो, उसमें पानी डाल के उसको सेक कर दो, तो ऐसे टाइप का हो जाता है। मतलब ये इंजन ऑयल विथ वाटर दोनों का मिक्सचर हो जाता है। तो उसमें हम 3 साल का वारंटी देते हैं और उसके बाद आप अगर चाहेंगे वो ऑप्शनल रहता है, जैसे एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल का वो आप ले सकते हैं। तो अगर आप पीरियडिकल मेंटेनेंस सर्विस अगर आप नहीं करते हैं तो आपको वारंटी रिलेटेड इशू आ सकता है। आपको वारंटी में, जैसे आपको पता है कि वारंटी में हमारा बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, आपका बैटरी हो गया, स्टार्टर मोटर हो गया, अल्टरनेटर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक साइटों में जो वारंटी कवर होता है, इंजन आपका वारंटी कवर होता है। तो हमारा एक ही टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आप इंजन एंड सर्विस पीरियडिकल करोगे तब जाके आपको वारंटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू कैन अवेल ऑल द वारंटी पर्पस। नॉन जेन्युइन पार्ट, आप अगर गाड़ी में कोई नॉन जेन्युइन पार्ट लगाते हैं जिसमें इंजन को लेके दिक्कत आ सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फेल हो सकता है, उस जगह पे भी आपको वारंटी नहीं मिलेगा। सिंपल सा चीज है, इतना क्रिटिकल नहीं है, बहुत सारे जगह पे बहुत टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वारंटी को लेके। हमारा सिंपल एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, अनलिमिटेड किलोमीटर। आप अगर 1 लाख भी किलोमीटर चला देते हो कोई दिक्कत नहीं है 3 साल के अंदर, हम आपको वारंटी देंगे, बट पीरियडिकल मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा एक ही टर्म्स में। तो मेरा टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा हमारे कस्टमर को एक डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि एक्चुअली वो इंजन ऑयल कैसा होता है। जब गाड़ी में इंजन ऑयल जब आप गाड़ी चलाते हैं उसी बीच में इंजन ऑयल का कंडीशन क्या होता है एंड एक नया इंजन ऑयल जब हम गाड़ी में डालते हैं उसका कलर क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है। हर गाड़ी में है इंजन ऑयल का जो लेबल है, ये देखिए दोनों मार्किंग है और ये जहाँ पे इंजन ऑयल है ये मैक्सिमम लेवल है, इतना तक इंजन ऑयल रहना चाहिए।
अगर इससे ज़्यादा होगा तो इंजन स्लीप होने के चांस है। तो ये परफेक्ट लेवल है। आप अगर गाड़ी में कभी सर्विसिंग करते हो, कोई दूसरे डीलर से जाएंगे तो आप खुद ही चेक कर सकते हो कि मेरा गाड़ी में इंजन ऑयल का लेवल क्या है। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, इंजन ऑयल का लेवल भी कम हो जाता है। तो आप ये इंडिकेशन को आप फोटो उठा के भी रख सकते हो। ये बैटरी चार्जर क्या है, इसका काम क्या होता है, एंड हमारा BMW का जो बैटरी चार्जर है वो दूसरे बैटरी चार्जर से क्या डिफरेंट है। तो ये जो बैटरी चार्जर आप देख रहे हैं, इसका मेन मकसद यही रहता है कि ये बैटरी को चार्ज करें। तो ये जो बैटरी चार्जर है, ये आप कोई भी बाइक, कोई भी बैटरी, कोई कार हो, बाइक हो, कोई भी बैटरी में आप चार्ज कर सकते हो इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी चार्जर में होता है, एंड आपका बैटरी में भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो बहुत सिंपल है, हमारे टीम भी आपको बताएंगे कैसे चार्ज करना पड़ता है। तो मैंने एक चीज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोला था कि बैटरी का जो हेल्थ है हम उसको कैसे राइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता है अभी सब गाड़ी BS6 होता है, तो आप दिन में भी गाड़ी चलाओ तो भी DRL लाइट ऑन होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जैसे स्टार्टर मोटर हो, अल्टरनेटर हो, जो गाड़ी के अंदर में रहता है हमको पता नहीं होता है, फ्यूल पंप हो, सब बैटरी से चार्ज होते हैं। अल्टरनेटर जो होता है वो बैटरी को चार्ज देता है, वो होता है सोर्स ऑफ करंट। गाड़ी में जब अल्टरनेटर चलता है एक मैग्नेटिक व्हील में, जो क्या करता है बैटरी को चार्ज डालता है। बैटरी क्या होता है, स्टोरेज करंट होता है, ठीक है। तो गाड़ी, हमारा माइंड में ये हमेशा रहता है कि गाड़ी में तो मैंने लाइट नहीं चलाया, कुछ नहीं किया, तो बैटरी क्यों खराब हो गया। बैटरी एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है, बैटरी सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चार्ज करता है, जैसे स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर, फ्यूल पंप, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो बैटरी सप्लाई करता है करंट। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम देखे हैं बैटरी क्यों खराब होता है। खराब इसीलिए होता है, हम मान लीजिए 6 महीने तक, बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो बाहर टूर पे जाते हैं, गाड़ी चलाते नहीं हैं, 2-3 महीना हम गाड़ी रख देते हैं, तो क्या होता है बैटरी का जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, कम हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, 6 महीने के बाद आते हैं या 2 महीने के बाद आते हैं या 1 महीने के बाद आते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, बट उसी बीच में क्या होता है, आपका जो बैटरी है वो 100% चार्ज नहीं रहता है, उसका जो परसेंटेज है वो कम होता है। तो इमीडिएटली क्या होता है, आप जब गाड़ी को ऑन कर देते हो तो पूरा लोड बैटरी पे आ जाता है, बैटरी पे चार्ज का परसेंटेज कम है एंड हम उसमें 100% लोड दे, तो क्या होता है उसका अंदर में जो सेल होता है वो डैमेज हो जाता है। बैटरी है ये, देखिए एक अच्छा बैटरी हम कैसे पता चलेगा कि ये मेरा गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है वो बैटरी अच्छा है, कैसे पता चलेगा। तो एक अच्छा बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमेशा 13.13 वोल्टेज से ऊपर होना चाहिए या उतना होना चाहिए। अब गुड बैटरी सुना, ब्रेक पैड जो चेंज होता है ये कंज्यूमेबल आइटम है, इसको आप पूरा गाड़ी को जो राइडर्स है वो राइडर के हिसाब से, राइड के हिसाब से उसका जो ब्रेक पैड है चेंज करना पड़ता है। तो ब्रेक पैड कैसे आप देखेंगे कि मेरा ब्रेक पैड गाड़ी में है या नहीं है, उसका क्या कैसे पता चलेगा कि मेरे को मेरा गाड़ी में जो ब्रेक पैड है उसको चेंज करना है। तो आपको ये जो पिक्चर में जो है ब्रेक पैड है, ये जो ब्रेक पैड है ये नया ब्रेक पैड है, ये जो है ब्रेक पैड जिसका लाइफ खत्म हो गया है। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो लाइनिंग है, ये एक सिंबल है जिसमें लाइनिंग दिया गया है कि ये एक अच्छा ब्रेक पैड है। आप देखेंगे जो ब्रेक पैड का लाइन खत्म हो गया है उसका लाइनिंग भी खत्म हो गया है। ये है डिस्क रोटर जिसके ऊपर ब्रेक पैड माउंटिंग होता है। तो ब्रेक पैड अगर खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो रोटर है ना, फ्रिक्शन के वजह से ये रोटर खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर आप क्या करेंगे, जब हमारा सर्विस सेंटर आएंगे हमारा एडवाइजर देखेगा, आपका टेक्नीशियन आपको बोलेगा कि नहीं सर आपका ब्रेक पैड खराब हो गया, खत्म हो गया है, तो आपको ब्रेक पैड चेंज करना पड़ेगा। बट अगर ब्रेक पैड का जो लाइफ है, हमारा BMW का रिकमेंड यही है कि
ये एक बैंक पेंट का जो लाइफ है जब 35% का कहा जाता है, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू चेंज द बैंक पेंट। पुराना है ये नया है, इसका वेट लिमिट मार्क है, जब तक ये विजिबल है तब तक चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही विजिबल होता है, इस पे नहीं है ये मार्क, ये कॉर्नर पे, जैसे ही ये घिस जाता है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। हम क्या करते हैं, जब गाड़ी पंक्चर हो जाता है तो हम जाते हैं कहीं पंक्चर दुकान पे, तो वो लोग 70-80 रुपीस आपसे चार्ज करते हैं। बट अगर ये किट आप एक खरीद लेंगे, आई थिंक इट विल टेक अराउंड 350 या 400, जिसमें 10 पीस रहेगा ये जो पंक्चर किट है, 10 पीस रहेगा, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, उसको खुद ही लगा सकते हैं, ये खुद बाहर मिलता है। तो हम ये चीज़ बताते हैं कि हर जगह पे आपका पंक्चर दुकान नहीं मिलेगा, हर जगह पे क्या प्रॉब्लम क्या होगा। मान लीजिए आप एक जगह पे हो जिस जगह पे आपका गाड़ी का पंक्चर हो गया, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करते हैं, मैक्सिमम कस्टमर क्या करते हैं, वही किट में चला के चले जाते हैं जिसमें टायर खराब हो जाता है, टायर का कस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो मेन चीज आया आपका क्लच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सबको आप ध्यान में रखिए। बहुत सारे हमारे नए कस्टमर हैं, आप अभी गाड़ी लिए हो, आपको दूसरे गाड़ी का ब्रांड भी चलाए हो, तो आपको मैक्सिमम लगा होगा कि हमारा BMW का गाड़ी जो है उसका जो गियर शिफ्टर है तो बहुत हार्ड होता है। ऐसे आता है ना फ्रेंड्स कि आपका जो गियर शिफ्टिंग है ये गियर बहुत हार्ड होता है। एक्चुअली ये हार्ड इसीलिए होता है कि आपका जो क्लच है ना, वो क्लच का एक स्पेसिफिकेशन है, 2-3 mm का गैप रहना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो गियर शिफ्टिंग है वो हार्ड होगा। तो इसीलिए हम इन चीज़ को आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि ये जो क्लच है आपको कैसे खुद एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक प्लायर आपका चाहिए, बस वो प्लायर पे आप खुद चला सकते हो, खुद सेट कर सकते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए उसका जो फ्री प्ले है 2-3 mm का जो फ्री प्ले है, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत क्या आ सकता है, दिक्कत ये आएगा आपका जो गाड़ी में जो क्लच प्लेट है ना वो खराब हो जाएगा, फिर आपका 10-12 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लच जो हम यूज करते हैं, क्योंकि आप जब गाड़ी चलाओगे, जब अगर उसका जो स्पेसिफिकेशन है कि 2-3 mm का गैप होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो गया आप फुल क्लच करोगे, बट गाड़ी के बीच में जो वो जो क्लच प्लेट है ना वो हाफ क्लच होगा, हाफ क्लच में अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्लच प्ले जल जाएगा, तो उसको कैसे आप एडजस्ट करोगे। देखिए ये प्ले है सर, ये देखिए कॉर्नर पे ये गैप है ना, ये आपका फ्री प्ले है, इसको आप एडजस्टमेंट कर सकेंगे, इसको चेक नट को लूज करेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, अगर क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये लूज होगा। ये केबल इससे कनेक्टेड है, अगर इसको आप लूज करेंगे तो केबल स्ट्रेच होगा, इसकी वजह से क्लच आपका टाइट होगा, इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो लूज होगा। 2-3 mm देखिए ये गैप, ये फ्री प्ले, ये गैप होना चाहिए, आप ऐसे इसको गैप प्ले चेक कर सकते हैं, अब ऐसे दबाएंगे तो पता नहीं चलेगा, आपको फील नहीं होगा। ये देखिए ये दो उंगली से अब ऐसे इसको पुश करेंगे, ये जो फ्री प्ले है ये क्लच का फ्री प्ले है, 2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, चेन, चेन जो पावर, जो पावर होता है वो ये चेन पे पावर ट्रांसमिशन होता है। बहुत सारे ड्राइव्स होता है, जैसे ये चेन ड्राइव है हमारा जो 1250 है कोर बाइक से, उसमें शाफ्ट ड्राइव है, हमारा जो C400 GT है वो बेल ड्राइव है। तो बेसिकली चेन ड्राइव जो होता है उसमें हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है, शाफ्ट ड्राइव जो होता है वो मेंटेनेंस फ्री होता है जो 1250 में लगा होता है। एंड CVT वेल जो हमारा C400 GT जो स्कूटर है उसमें बेल ड्राइव होता है। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, चेन ड्राइव पे काम करते हैं, तो चेन जो है उसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके ये जो चेन का जो एक्चुअल, बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि पावर मिस होता है, बहुत सारे कस्टमर का माइंड पे ये आता है कि मैं गाड़ी को जब थ्रोटल लेता हूँ तो खींच नहीं रहा, जो इनिशियल पिकअप होता है वो थोड़ा ड्रॉप होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो चेन है, चेन का जो स्लैकनेस है, स्लैकनेस इन द सेंस थिकनेस कितने में एडजस्ट होना चाहिए, अगर चेन ढीला हो जाएगा तो आपको इनिशियल पिकअप के लिए इशू आएगा, आपको जो इंस्टेंट पावर चाहिए वो पावर नहीं आएगा। तो हम इस यहाँ पे ये चीज बताएंगे कि आपको जो चेन है उसको मेंटेन कैसे करना पड़ेगा। बेसिक है, बहुत सिंपल है, हम
आपको पता है कि हमारा जो मैक्सिमम गाड़ी है इसमें मेन स्टैंड नहीं है, तो बहुत जगह पे पैडक का भी बहुत इशू होता है। बट फ्रेंड्स, पैडक नहीं चाहिए चेन एडजस्टमेंट के लिए। साइड स्टैंड में एक्चुअल आज पर BMW नॉर्म्स साइड स्टैंड पे ही चेन एडजस्टमेंट होता है। जब साइड स्टैंड पे हम चेन एडजस्ट करते हैं तो एक्चुअल थिकनेस आता है। पैडक पे कभी भी चेन एडजस्ट नहीं होता है, चेन क्लीनिंग होता है पैडक पे। तो हमको चेन एडजस्ट करने के लिए पैडक नहीं चाहिए। आप कहीं पे भी अच्छा सर्विस सेंटर में या फिर हमारा सर्विस सेंटर में आप देखेंगे तो हम जो चेन एडजस्ट कर रहे हैं हम साइड स्टैंड पे करते हैं। तो ये जो चेन है, ये जो बीच का जो सेंटर होता है, ये है चेन का स्लैकनेस का जो एरिया। चेन का जो स्लैकनेस चाहिए तब जाके गाड़ी का जो पावर है हमारा 310cc का जो पावर है या फिर आपका 850 का जो पावर है वो पावर आपको मिस नहीं होगा, उतना पावर आपको मिलेगा। तो चेन का जो एडजस्टमेंट है वो 44mm का होना चाहिए। चेन को मेंटेन आप कैसे करेंगे? हमारा BMW में दो आता है, एक चेन क्लीनर एक चेन स्प्रे। चेन क्लीनर का जो काम होता है, ये जो चेन का जो रस्टिंग होता है, ये जो रस्ट आप देख रहे हो ना, ये रस्ट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं चेन क्लीनर। और चेन को ल्यूब करने के लिए, ल्यूब्रिकेशन करने के लिए, क्योंकि हमारा जितना गाड़ी है सब 310cc का गाड़ी है, बहुत पावरफुल मशीन है, तो इतना पावर जब वो चेन में ट्रांसमिशन होगा तो चेन क्या होगा ना, ल्यूब्रिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो साउंड होगा, उसके अंदर में जो ग्रोमेंट है वो खराब हो जाएगा, जिसके वजह से साउंड हो सकता है। हर 500 किलोमीटर में आप चेन क्लीन चेन स्प्रे कीजिए, ताकि आपको पावर भी मिलेगा, मशीन चलाने के लिए स्मूथ भी होगा, साउंड नहीं होगा एंड आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये जो है ये स्पॉकेट है, चेन जो घूमता है उस पॉकेट एक माउंटिंग होता है स्पॉकेट। इसीलिए मेरा अच्छा है। ओके, इसका काम है कि आपका जो फ्यूल है फ्यूल को बंद करता है, पिस्टन के अंदर में जो
पिस्टन हाउस में जो हमारा कोयल जाता है, कोयल एयर कोयल मिक्सचर को बंद करता है। तो जब आप स्पार्क प्लग चेंज नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो स्पार्क प्लग है इसका गैप देखिए और इसका नया स्पार्क प्लग का गैप देखिए, ये जो गैप है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका मिस फायरिंग का ये जो गैप है बढ़ जाने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो ठीक से फ्लक्चुएट करता है, ठीक से पास नहीं करता है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्चुएट करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग इश्यू होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग को चेंज करते हैं सर्विस मेंटेनेंस में। तो फाइनली सेशन हो गया खत्म एंड अभी टाइम फॉर सम स्नैक्स और खाके निकल जाएंगे। दिस इज द नेक्स्ट डे एंड कल आने के टाइम में काफ़ी लेट हो गया तो मैं घर आके सो गया था एंड आज नेक्स्ट डे है एंड कल काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड जो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हैं, यहाँ तक देख लिए, उनको पता होगा कि बाइक के रिगार्डिंग में कितना कुछ नॉलेज मिला है एंड कितना कुछ गेन कर सकते हैं इस वीडियो से। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को करता हूँ यहाँ पे क्लोज एंड मिलते